हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू वाचिंग यूपीएससी लाइव। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया के कॉटन की, बिकॉज अभी रिसेंटली वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया इंडिया में। तो उस वर्ल्ड वर्ल्ड कॉटन डे के उपलक्ष्य में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर हैं, उनके पास दो मिनिस्ट्री हैं। सो उन्होंने वर्ल्ड कॉटन डे पर हमारी जो इंडिया की जो कॉटन होती है उसको एक ब्रांड उन्होंने दिया। सो उसको एक कस्तूरी, सो उसको बोला जाएगा कस्तूरी कॉटन इंडिया। सो जो ये उसका लोगो है उसको कस्तूरी कॉटन इंडिया दिखाया जाएगा। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉटन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जो इंडिया में कॉटन की प्रोडक्शन है उसके बारे में। देन फिर आगे हम देखेंगे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो इस जो कॉरपोरेशन, आखिर इसका क्या रोल है हमारे इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन में, और सो इस लेक्चर हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले, ये इस साल जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, सो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है 2000 यूपीएससी के 2020 के क्वेश्चन है। सो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। सो ये इस क्वेश्चन है कि द क्रॉप इज सब, उसमें क्वेश्चन में लिख रखा है कि द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इनका जो ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल नेचर है, ये हार्ड फर्स्ट इंजूरियस, और जो उसके लिए हार्ड फर्स्ट है वो इंजूरियस है, एंड इट रिक्वायर एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। सो उसको साल में 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, एंड मिनिमम 50 से 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स ग्रो, और ग्रोथ के लिए उसको 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल, मतलब उसको बारिश की आवश्यक नीड है, उसको आवश्यकता है। सो एंड इसके बाद ए लाइट वेल ड्रेन ऑफ सॉयल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज आइडियली सिचुएटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। सो ये चीज दे रखी थी क्रॉप के बारे में। सो इन सब इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जानना था कि ये यूपीएससी किस क्रॉप के बारे में। सो इस क्वेश्चन का आंसर था कॉटन। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर। सो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन हर साल कॉटन से रिलेटेड पूछती जाती है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। सो आप यूपीएससी को, यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। सो न्यूज़ में था कि इस जो हमारे मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि यूनियन मिनिस्टर है टेक्सटाइल एंड वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनके पास ये दो मिनिस्ट्री हैं। सो याद रखना, वो उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी है और वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो दो मिनिस्ट्री उनके पास। सो उन्होंने फर्स्ट एवर उन्होंने लॉन्च किया हमारा जो इंडिया का फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो, मतलब उन्होंने ब्रांड एंड लोगो दोनों एक साइड, ब्रांड एंड लोगो उन्होंने इंडिया का जो फर्स्ट एवर था उसको उनको लॉन्च किया फॉर इंडियन कॉटन के ऑन सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे। जो वर्ल्ड कॉटन डे था वो सेकंड था, उससे पहले लास्ट ईयर एक होता है। सो उसकी एनिवर्सरी भी बोल सकते हैं ऑन वर्ल्ड कॉटन डे थ्रू वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। सो अब इंडिया प्रीमियम कॉटन जो है वुड बी नोन एज कस्तूरी कॉटन। सो इंडिया की जो प्रीमियम कॉटन है उसको अब कस्तूरी कॉटन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको बोला जाएगा इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड, वर्ल्ड जो वर्ल्ड की कॉटन ट्रेड में। सो ये याद रखना। सो कस्तूरी कॉटन ब्रांड है वो रिप्रेजेंट करती है इंडिया वाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लक्ष्य, यूनिकनेस, मतलब जो इंडिया की जो कॉटन है उसकी जो कस्तूरी कॉटन वो रिप्रेजेंट वहाँ की उसकी ब्राइटनेस रिप्रेजेंट करेगी, उसकी सॉफ्टनेस रिप्रेजेंट करेगी, उसकी प्योरिटी रिप्रेजेंट, और मेनली उसकी इंडिया की कॉटन की जो इंडियन नेशन उसको रिप्रेजेंट करेगी। सो कस्तूरी कॉटन मीन्स इंडिया की कॉटन, ये चीज़ आप याद रखना। देन फिर इसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ये ट्विटर हैंडल है। सो उन्होंने ट्विटर के जरिए उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि ऑनरेबल मिनिस्टर टेक्सटाइल स्मृति जुबिन ईरानी लॉन्च द फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन टू बी नोन एज कस्तूरी कॉटन ऑन द ओकेजन ऑफ सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे 2020। सो द ब्रांड विल रिप्रेजेंट, सो जो मैंने बताया था चीज वो सब इसमें लिखी हुई है। देन फिर इसके बाद वर्ल्ड कॉटन डे, आखिर ये वर्ल्ड कॉटन डे होता क्या है। सो वर्ल्ड कॉटन डे हर साल 7 अक्टूबर 2020 पर सेलिब्रेट किया जाता है। WTO marks the first anniversary of the World Cotton Day. So, इस साल उसकी World Cotton Day की first anniversary, so ये WTO World Trade Organization उसको ये celebrate कर रहा था World Cotton Day. So, the annual celebration of World Cotton Day provide the opportunity to recognize the importance of cotton. So, as a global commodity grown in over 75 countries across 5 continents. So, जो World Cotton Day का मेन जो वर्क है, मेन जो ऑब्जेक्ट है उसको है कि रिकोगनाइज करना इम्पोर्टेंस कॉटन, मतलब कॉटन की जो इम्पोर्टेंस है उसको रिकोगनाइज करना। और जो कुछ बिकॉज ये जो कॉटन है वो 75 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज में ये कॉटन मतलब क्रॉप ये कल्टिवेट की जाती है,
और जो कि ये फाइव कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। सो जो कि फाइव कॉन्टिनेंट की 75 कंट्रीज में, सो ये चीज़ आप याद रखना। सो इसके अलावा एंड टू हाईलाइट इट्स सेंटर रोल इन जॉब क्रिएशन, जो और इसके द्वारा जो जॉब क्रिएशन है जो है वर्ल्ड कॉटन सेक्टर में, वो भी इसको रिप्रेजेंट करने, इसको हाईलाइट करना। एंड मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन सेवरल सेवरल लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सो ये उसका ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड कॉटन डे का। देन इसके बाद कॉटन, आखिरी कॉटन क्या है? सो कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, याद रखना, ये काफ़ी बार पूछा जाता है खरीफ क्रॉप कौन सी होते हैं, सो खरीफ, जायद, ये सो ये सब चीज़ याद रखना। कॉटन जो कि एक खरीफ क्रॉप है, याद रखना, जिसको फाइबर, ऑयल एंड प्रोटीन यील्ड क्रॉप ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस, ये चीज़ याद रखना। सो देन ये किस टेम्परेचर पर ये ग्रो ग्रो होती है? सो बिटवीन द 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक कॉटन को ग्रो किया जाता है। देन इसको रेनफॉल कितनी रेनफॉल, जो मैंने उस क्वेश्चन में आया था, सो वो सारी डिटेल्स ये स्लाइड में दे देंगे। सो अराउंड 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल इसको जरूर इसकी ज़रूरत पड़ती है। देन सॉइल टाइप कैसी होती है? देन ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू, मतलब ब्लैक सॉइल की ज़रूरत पड़ती है कॉटन की कल्टिवेशन के लिए। सो इंडिया में टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से है? सो इंडिया में सबसे ज़्यादा है गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, देन राजस्थान। सो इस पूरे को याद रखना, ये स्टेट पीसेस में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इस चीज़ को याद रखना। गुजरात सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, ये तीन स्टेट तो आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद इट प्रोवाइड लिवलीव टू अबाउट 6 मिलियन कॉटन फार्मर्स, इंडिया में 6 मिलियन कॉटन फार्मर्स, जिसको जिसको कॉटन सेक्टर में 6 मिलियन कॉटन फार्मर, मतलब 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, सो 6 मिलियन हो गए 60 लाख, मतलब 60 लाख कॉटन फार्मर है इंडिया में, जो कि डायरेक्टली इस पर कॉटन की इंडस्ट्री, मतलब कॉटन की कल्टिवेशन के करो पर डिपेंड है। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर, सो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। सो इंडिया सेकेंड है तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है चाइना, सो चाइना फर्स्ट है और इंडिया सेकेंड है। बट इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन, बट इंडिया कंज्यूमर फर्स्ट है, याद रखना। प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है, प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है, जो बनाता है, और कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है। सो इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर में तो सेकेंड है, बट कंज्यूमर में पहला है, सो इस चीज़ को याद रखना। देन इसके बाद हाउएवर इंडिया मतलब प्रोडक्टिव जो ईल्ड पर यूनिट एरिया, ईल्ड पर यूनिट एरिया जो मेजर की जाती है, इज मच लोअर, जो काफ़ी ज्यादा काफ़ी कम है, सॉरी, जो इंडिया की जो प्रोडक्टिव है ईल्ड पर यूनिट एरिया जो कॉटन की, वो काफ़ी कम है, मतलब इतनी है, मतलब अराउंड 1/3 है, बाग में 100 में कंपेयर किया था वो बिल्कुल 1/3 है, मतलब 100% अगर लैंड कहीं यूज हो रहा है तो उसकी प्रोडक्टिव 1/3, मतलब सिर्फ 1/3 लैंड पर ही वो कॉटन की जो क्रॉप है वो उग रही है ढंग से, मतलब ग्रो हो रही है। सो देन द अदर मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री, मतलब बाकी अदर मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री, उस लेवल में इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी वो काफ़ी कम है। सो दिस इम्प्लाइज दैट इन ऑर्डर टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ए मच लार्जर एरिया यूज फॉर कॉटन प्रोड्यूसर, मतलब सो बेसिक इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बट जो एरिया जो यूज जो लैंड जो यूज की जा रही है कॉटन प्रोडक्शन में, वो भी काफ़ी ज़्यादा, वो सो ये चीज़ आप सो ये चीज़ इंडिया को याद रखनी, थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि इतनी ज़्यादा लैंड सिर्फ कॉटन के लिए, वो भी इसमें यील्ड पर यूनिट एरिया काफ़ी कम है, सो ये चीज़ थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देन इसके बाद ये एक डायग्राम इसमें देखना है, सो इसमें पता चल जाएगी कॉटन की जो प्रोडक्टिव पर एरिया है कितनी है। सो ये है 2016 तक का डेटा है, सो इसमें याद रखना। सो ये जो लाइन, सो ये जो लाइन है ये इंडिया की लाइन है, सो ये लाइन, सो 500 का जो मार्क है, सो इंडिया 2016 तक सिर्फ 500 पर यूनिट यील्ड तक अचीव कर रहा, बट जो बाकी अदर कंट्रीज है लाइक ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, टर्की, उनकी काफ़ी ज़्यादा, ये जो लाइन है ये ऑस्ट्रेलिया की, सो ऑस्ट्रेलिया की देखो 2000 से ज़्यादा है, सो कहाँ इंडिया और कहाँ ऑस्ट्रेलिया, सो ये चीज़ इंडिया को माइंड करना पड़ेगा। सो प्रोडक्टिव जो किलोग्राम, सो इस चीज़ को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देन इंडिया में जो मेजर कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं इंडिया में, सो ये वो याद रखना, पहले जो मैंने तो ऑलरेडी बता दिया, सबसे ज़्यादा गुजरात है, देन उसके बाद महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, देन सो याद रखना। सो इन इन एरिया में कॉटन की क्रॉप ग्रो की जाती है, देन पंजाब और हरियाणा का थोड़ा एरिया है, देन
तमिलनाडु वाला हो गया, देन ये आंध्र प्रदेश वाला हो, सो इस चीज को याद रखना। सो इस कॉटन के टाइप देखते हैं इसमें। सो इंडिया ओनली, इंडिया सिर्फ ऐसा कंट्री है जो कॉटन की चारों की चार स्पीसीज को कल्टिवेट करता है, मतलब कॉटन की चार स्पीसीज हैं। सो चार कौन सी है? गॉसिपियम आर्बोरियम, देन हर्बेशियम, ये एशियन कॉटन इनको बोला, देन गॉसिपियम को मतलब इसमें जी से रिप्रेजेंट किया, सो जी बारबाडेंस, देन जिसको इजिप्शियन कॉटन बोला, देन जी हिर्सुटम। ये चार स्पीसीज हो गई, चार टाइप हो गए कॉटन को, उनको याद है। सो इंडियन चारों की चारों को कल्टिवेट करता है, सो इस चीज को आप याद रखना। देन हाइब्रिड कॉटन, हाइब्रिड कॉटन कौन सी होती है? हाइब्रिड कॉटन उसको बोलते हैं जो, सो हाइब्रिड कॉटन आर मेड बाई क्रॉसिंग टू पेरेंट स्ट्रेन हैविंग डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर, मतलब उनको दो बीज को एक साथ लेके बनाया जाता है, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। सो इस जो इस हाइब्रिड में दीज प्लांट्स, सो जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, हैव मोर बायोमास देन द बोथ पेरेंट्स, सो उन दोनों को मिला के बनाया जाता है। सो इस हाइब्रिड वाले में उसमें सबसे ज्यादा, उसमें उन दोनों से ज्यादा मोर ज्यादा बायोमास होते हैं। सो ये फायदा होता है हाइब्रिड कॉटन का। सो उनके पास बायोमास भी ज्यादा होगा, सो उसके बाद उसकी कैपेसिटी और ग्रेट ऑफ ग्रेटर यील्ड, सो उसके पास बायोमास ज्यादा और यील्ड ग्रेटर यील्ड की कैपेसिटी भी ज्यादा। सो ये फायदा होता है हाइब्रिड कॉटन का इन कंपेयर नॉर्मल कॉटन। सो इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट ग्रोज कॉटन एज द हाइब्रिड। सो इंडिया ऐसा अकेला कंट्री है जो कॉटन हाइब्रिड में, कॉटन एज ए हाइब्रिड ग्रो करता है। सो द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल कॉटन हाइब्रिड, जो कि हाइब्रिड फोर जिसको H4 बोलते हैं, वाज डेवलप्ड इन 1970, मतलब 1970 में जिसको जो फर्स्ट कमर्शियल कॉटन हाइब्रिड है उसको डेवलप किया गया था बाय द इंडियन साइंटिस्ट चंद्रकांत टी पटेल। सो इन चंद्रकांत टी पटेल के द्वारा फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड H4 जो है उसको डेवलप किया गया था इन 1970। इस चीज को आप याद रखना। देन इसके बाद कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सो ये काफी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखना, यूपीएससी या बाकी अदर स्टेट पे से इस चीज को पूछ सकते हैं। सो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको CCI बोला गया, वह एस्टेब्लिश ऑन 31 जुलाई 1970। सो जुलाई 1970 में इसको एस्टेब्लिश किया था अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता वो, और एज ए पब्लिक सेक्टर, इसको एज ए पब्लिक सेक्टर देखा जाता अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया, और इसकी अंडर किसके काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको याद रखना, देन कंपनीज एक्ट 1956, ये दो चीज़ याद रखने की बात है। देन CCI इज हैविंग पैन इंडिया प्रेजेंस, इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है थ्रू इज हेडक्वार्टर एट नवी मुंबई, नव हेडक्वार्टर इसका नवी मुंबई महाराष्ट्र में, इस चीज़ को याद रखना। देन इसका मेन ऑब्जेक्टिव टू सेव द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ कॉटन फार्मर, मतलब कॉटन फार्मर के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनका, उनकी सेफ गार्ड करना इन ऑल द कॉटन ग्रोइंग रीजन, जितने भी ऑल मतलब इंडिया में जितने भी कॉटन ग्रोइंग रीजन में वहाँ पर कॉटन फार्मर्स की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, ये उसका CCI का मेन ऑब्जेक्ट है। सो एंड इसके अलावा इंश्योर स्मूथ सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गुड क्वालिटी कॉटन की सप्लाई, स्मूथ सप्लाई को और इंश्योर करना, मतलब बनाए रखना, ये CCI की ऑब्जेक्टिव है। पहला इकोनॉमिक इंटरेस्ट की सेफगार्ड करना, दूसरा और गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन की सप्लाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बनाए रखना, ये CCI का मेन ऑब्जेक्टिव है। देन इसके बाद CCI का जो मेजर रोल है टू अंडरटेक प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन, मतलब MSP वाला। सो इसमें वेन एवर द मार्केट प्राइस कॉटन ब्लो कॉटन फॉल्स ब्लो, जब भी कॉटन का प्राइस मार्केट प्राइस से कम होता है, देन MSP दी जाती है CCI के द्वारा। सो मतलब MSP पर CCI कॉटन प्रोक्योर करता है फार्मर से। सो CCI हैज ओपन 430 प्रोक्योरमेंट सेंटर इन ऑल कॉटन ग्रोइंग स्टेट, मतलब जितने भी ऑल कॉटन ग्रोइंग स्टेट है वहाँ पर 430 प्रोक्योरमेंट सेंटर ओपन किए गए हैं, एंड पेमेंट आर बीइंग मेड डिजिटली, और जब भी प्रोक्योरमेंट होती है तो उसकी जो पेमेंट होती है वो डिजिटली पेड की जाती है फार्मर्स के अकाउंट में विद इन द 72 आवर्स, 72 आवर्स के अंदर फार्मर्स को एज ए डिजिटली पेमेंट दी जाती है। देन इसके बाद CCI ने एक मोबाइल ऐप क्रिएट लॉन्च किया, मतलब ओपन किया, जिसको कॉट एलआई बोलते हैं। इट्स कॉट एलआई हैज बीन डेवलप्ड बाय CCI, मतलब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फॉर प्रोवाइडिंग लेटेस्ट न्यूज रिगार्डिंग वेदर कंडीशन। तो इस ऐप का मेन ऑब्जेक्टिव है लेटेस्ट न्यूज प्रोवाइड करना, लाइक वेदर कंडीशन कैसी है,
क्रॉप सिचुएशन कैसी है एंड बेस्ट फार्म प्रैक्टिस कैसी है, मतलब बेस्ट फार्म प्रैक्टिस क्या है फॉर द कॉटन, मतलब कॉटन कल्टीवेशन के लिए। सो वेदर की कंडीशन प्रोवाइड करना, क्रॉप सिचुएशन, देन बेस्ट फार्म प्रैक्टिस। सो ये तीन काम है कॉट अलाई ऐप के बारे में। सो इस ऐप को याद रखना, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन इसके बाद बिटवीन द 2011 टू 2018, मतलब 2011 से 2018 के बीच में इंडिया इंप्लीमेंट एक कॉटन टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम, मतलब इंडिया ने कॉटन टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसको कॉटन टैप वन बोला जाता है। और ये जो प्रोग्राम चलाया था 7 अफ्रीकन कंट्रीज में चलाया था, और वो 7 अफ्रीकन कंट्रीज हैं बेनिन, बुर्किना फासो, माली, चैड, ऑल्सो युगांडा एंड मलावी एंड नाइजेरिया। सो इन 7 कंट्रीज में कॉटन टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम जिसको कॉटन टैप वन बोलते हैं 2011 से 2018 के बीच में इंडिया के द्वारा चला गया। सो इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्ट है इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है टेक्निकल असिस्टेंट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कॉटन एंड कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री इन दीज कंट्री। सो इन कंट्रीज में वो कॉम्पिटिटिवनेस की जो जो कंडीशन है उसको और इम्प्रूव करना, कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल है या जो इंडस्ट्री है उनकी कंडीशन और ज़्यादा इम्प्रूव करना। सो इस प्रोग्राम का ये मेन ऑब्जेक्ट है। सो थ्रू ए सीरीज ऑफ इंटरवेंशन विच हैड सिग्निफिकेंस आउटकम, सो ऐसे सीरीज ऑफ इंटरवेंशन किए जाएंगे इंडिया के द्वारा, सो जिसकी वजह से आउटकम जो होंगे काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे टू लीडिंग ए डिमांड फॉर ए फॉलो एंड प्रोजेक्ट। सो ये सब ऑब्जेक्ट थे इस प्रोजेक्ट के। देन इसके बाद मेजर प्रॉब्लम क्या है कॉटन इंडस्ट्री की या कॉटन सेक्टर में। सो मेजर प्रॉब्लम इन अ कॉटन प्रोडक्शन, सो कॉटन प्रोडक्शन मेजर प्रॉब्लम लाइक इसके पहली प्रॉब्लम है राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो राइजिंग मतलब कॉटन की प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा या बढ़ती है, लाइक सीड्स की प्राइस है, फर्टिलाइजर, लेबर, डेट। सो इसकी जो इनपुट कॉस्ट काफ़ी है बट जो आउटपुट कॉस्ट है वो काफ़ी कम आई जा रही है। सो ये काफ़ी बड़ी मेन प्रॉब्लम है। देन उसके बाद इनएबिलिटी टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज, सो अगर किसी क्रॉप के लिए अगर पानी नहीं रहेगा तो वो क्रॉप ग्रो कैसे करेगी। सो ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। सो मेन प्रॉब्लम, सो सेकेंड मेन प्रॉब्लम इज वाटर रिसोर्सेज। देन एब्सेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सो अभी जो इंडिया के जो फार्मर हैं वो सिर्फ मैनुअली काम कर रहे हैं, ना ही वहाँ पर किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूज़ नहीं किया जा रहा। सो सारी जो भी खेत में जो काम करते हैं जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो सिर्फ मैनुअली करते हैं। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी या एब्सेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफ़ी मेजर पॉइंट है। देन इसके बाद फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइस, सो मार्केट प्राइस जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं मतलब फार्मर को उसकी प्राइस का हिसाब से वो प्राइस नहीं दिया रही मार्केट के हिसाब से काफ़ी, या MSP जो होती है उससे काफ़ी कम दिया है। सो इसी वजह से MSP लाया है। सो इसी वजह से फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइस इन फॉर कॉटन में काफ़ी मेजर बड़ी प्रॉब्लम है। सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए आखिर किस स्टेप क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, सो स्टेप डेट नीड टू बी टेकन। सो इसके इसके लिए इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटी सबसे मेन प्रॉब्लम है। इस मेन प्रॉब्लम को अगर टैकल किया जाए तो इरीगेशन की फैसिलिटी और इम्प्रूव किया जाए। सो वाटर हार्नेसिंग वाज अ कंसिडर इम्पेरेटिव फॉर इनहेंसिंग प्रोडक्शन एंड लोअरिंग इट डिपेंडेंस ऑन मानसून। सो अगर इरीगेशन फैसिलिटी जो उसको इम्प्रूव किया जाएगा तो जितने भी फार्मर हैं वो मानसून पर डिपेंड रहेंगे और अपना बाकी का काम कर देंगे। सो इसी वजह से इरीगेशन फैसिलिटी सब ठीक हो जाएगी तो मानसून पर डिपेंड रहेंगे, अगर मानसून पर डिपेंड रहेंगे तो उनका खर्चा कम आएगा। सो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम कुड बी अडोप्टेड फॉर बेटर वाटर मैनेजमेंट, सो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम वो उसको अडोप्ट किया जाता है फॉर बेटर वाटर मैनेजमेंट के लिए। देन इसके बाद स्टेप कुड बी टेकन टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मतलब मेन। सो इसके बाद जो खेत जो वो फील्ड से लेके जो वो मार्केट सेंटर तक ट्रांसपोर्टिंग के लिए उसके लिए लॉजिस्टिक को इम्प्रूव किया जा सकता है, इम्प्रूव लॉजिस्टिक ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कॉटन सो दैट कॉटन फाइबर कैन बी सप्लाइड फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट एरिया इन ए क्लीन मैनर, मतलब क्लीन मैनर में उसको ट्रांसपोर्ट किया करने के लिए लॉजिस्टिक को और इम्प्रूव किया जा सकता है। सो इट डज नॉट गेट कंटेमिनेट, वो कॉटन कंटेमिनेट नहीं होगी। सो इस चीज़ को भी और इम्प्रूव किया जा सकता है। देन इसके बाद बाई इंक्रीजिंग द MSP, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर इंक्रीज कर जाएंगे तो गवर्नमेंट हैज इंश्योर दैट द फार्मर गेट्स मिनिमम रिटर्न एटलीस्ट ड्यू टू द डिप्रेस मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट खराब चल रहा है मार्केट की कंडीशन ठीक नहीं है तो फार्मर को कम से कम मिनिमम रिटर्न तो मिलेगा उस अपनी क्रॉप का। सो MSP को और इंक्रीज किया जा सकता है, ये सब सो ये सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं कॉटन सेक्टर को और इम्प्रूव बना और करने के लिए। सो
अगर आपने यूपीएससी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द यूपीएससी लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।